हेलो दोस्तों, हम टाइम एंड कैलेंडर का वर्कशीट वन बता रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर लीप ईयर, दोस्तों कौन सा इसमें लीप ईयर है चेक करना है। तो दोस्तों जो 4 से डिवाइड हो जाता है वो लीप ईयर होता है, जो नहीं होगा वो लीप ईयर नहीं होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1992 को चेक करते हैं, 4 से डिवाइड करते हैं। तो 4 4 जा 16, दोस्तों यहाँ घटाएंगे तो 9 में 6 घटाएंगे तो 3, और 1 में 1 घटाएंगे तो कट गया। उसके बाद फिर 9 उतारे, उसके बाद है कितना बार में चलेगा, 4 9 जा 36। दोस्तों यहाँ फिर 9 में 6 घटाएंगे तो 3, यहाँ 3 3 कट गया, फिर उतारेंगे 2। उसके बाद 4 8 जा 32, ये कट गया। दोस्तों इसका मतलब फर्स्ट जो है लीप ईयर होगा। तो पहला हो गया, क्या होगा, लीप ईयर है। दोस्तों यहाँ रिमाइंडर नहीं आना चाहिए, मतलब पूरी तरह से कट जाना चाहिए। बी नंबर बता रहा हूँ, तो 1983, दोस्तों इसको भी 4 से चेक करेंगे। 4 4 जा 16, यहाँ घटाएंगे तो 3, यहाँ कट जाएगा, यहाँ 8 उतारेंगे। उसके बाद 4 9 जा 36, यहाँ उतारेंगे कितना, 2 उतारेंगे, यहाँ कट जाएगा। उसके बाद 3 उतारेंगे तो 4 5 जा 20। दोस्तों यहाँ देखिए रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब ये नॉन लीप ईयर है, लीप ईयर नहीं है। अगला बता रहे हैं सी नंबर, तो पहले मोड़ लेते हैं दोस्तों। सी नंबर में है, 4 से डिफाइन करेंगे इसको, 2000 है, तो 4 5 जा 20। दोस्तों ये कट गया और 2 0 जो है यहाँ बैठा देंगे, इसका मतलब ये लीप ईयर है, क्योंकि पूरी तरह से कट गया, ये लीप ईयर हो जाएगा। उसके बाद डी नंबर में है, 4 से डिवाइड करेंगे कितना, 1999 को, तो 4 4 जा 16 होगा। दोस्तों कोई भी नंबर है उसको 4 से डिवाइड हो गया तो लीप ईयर, नहीं हुआ तो नल लीप ईयर होगा। तो यहाँ 3 होगा, उसके बाद यहाँ 9 उठाएंगे उतारेंगे, 4 9 जा 36, फिर यहाँ 3, उसके बाद 9 उतारेंगे तो 4 9 जा फिर 36। दोस्तों यहाँ कैरी 3 बच जाएगा, इसका मतलब ये भी नॉन लीप ईयर है, क्योंकि यह रिमाइंडर बच गया, रिमाइंडर नहीं होना चाहिए। तो इतना समझ में आएगा, 1 नंबर का सारा बता दिया मैं, ये लीप ईयर हुआ था, ये नहीं हुआ था, ये हुआ था, ये नहीं हुआ था। आंसर द फॉलोइंग, इसका बताना। 2 नंबर का ए नंबर है, इज द ईयर इन विच इंडिया गोट इंडिपेंडेंट अ लीप ईयर। तो इंडिया जो है इंडिपेंड हुआ था दोस्तों कितना में, तो 1947 में, इतना में हुआ था 1947। तो 4 से डिवाइड करते हैं, देखते हैं लीप ईयर है कि ना लीप ईयर है। तो 4 कितना हो जाएगा, 4 4 जा 16, यहाँ हो जाएगा 3, कट जाएगा, यहाँ 4 उतारेंगे तो 8 4 8 जा 32, यहाँ उतारेंगे 2, यहाँ उतारेंगे 7, यहाँ कट जाएगा दोस्तों। तो उसके बाद है 7 जा 7 जा, बढ़ जाएगा दोस्तों, तो 6 जा 24, यहाँ 3 रिमाइंडर बच गया। दोस्तों ये नॉन लीप ईयर है, क्योंकि यहाँ देखिए रिमाइंडर आ गया, नॉन लीप ईयर है। उसके बाद तो ए नंबर नॉन लीप ईयर हो गया। बी नंबर बना रहा हूँ दोस्तों, इज योर ईयर ऑफ बर्थडे अ लीप ईयर। जो आपका जो सब इज योर ईयर जो है ऑफ बर्थ जो हुआ था दोस्तों, वो लीप ईयर है कि नहीं है वो चेक करना है। तो आपका अलग अलग होगा, मेरा 1996 है, तो 1996 है, अपना लिख लेना आप, मैं चेक कर लेता हूँ, आज मुझे भी पता नहीं है। तो 4 से चलाएंगे, 4 4 जा 16, या 3, उसके बाद यहाँ 9 उतारेंगे, फिर कबर में चलेगा दोस्तों, 4 9 जा 36, या 3 उतारेंगे, या कट जाएगा 6, फिर उतारेंगे 4 9 जा 36। दोस्तों कट गया, तो इसका मतलब मेरा लीप ईयर था। तो आप भी अपना बैठाइएगा और चेक कीजिएगा दोस्तों। इस तरह से आपका अलग अलग, सबका अलग अलग हुआ, ये मैं अपना बताया आपको, आप अपना भी भर के चेक करेंगे। उसके बाद सी नंबर में बता रहा है, पूछ रहा है हाउ मेनी डे आर देयर इन अ लीप ईयर। दोस्तों कितने डे होता है लीप ईयर में, तो लीप ईयर में जो होता है 366 डे होता है, और नॉन लीप ईयर में 365 होता है। उसके बाद है डी नंबर में पूछ रहा है हाउ मेनी डे आर देयर इन द मंथ ऑफ फेब्रुअरी इन लीप ईयर। दोस्तों 29 होता है, यही 29 फेब्रुअरी में होता है ना, इसलिए तो 1 डे बढ़ जाता है, नहीं तो एक्चुअल में फेब्रुअरी 28 का होता है। हर 3 साल के बाद चौथा साल में 29 होता है, तो ये भी एक 1 बढ़ जाता है।
है ना 365 होता है, लेकिन लीप ईयर में 366 होता है, यहाँ 29 हो जाता है। दोस्तों अगर मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू। अगर आपको प्रॉब्लम हुआ हो दोस्तों तो कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ प्रॉब्लम और भी है।